के स्टार्टिंग में एक सैरा नाम की लड़की को हमें दिखाया जाता है और सैरा के फादर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉन होता है। सैरा को अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना होता है पर उसके पापा उसको परमिशन नहीं देते। तब सैरा अपनी माँ से पूछती है कि आपने तो कहा था मैं पार्टी में जा सकती हूँ। सैरा की माँ कहती है कि तुम किसी और दिन चले जाना। इस बात से गुस्सा होकर सैरा रूम में चली जाती है। हमें वहाँ सैरा की बड़ी बहन को भी दिखाया जाता है। सैरा डिसाइड करती है कि वो पार्टी में जाएंगी और वो घर वालों से छुपकर क्रिस्टोफर जो कि सैरा का बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ पार्टी में चली जाती है। सैरा की माँ सैरा को रूम में ढूंढने आती है पर सैरा उसे नहीं मिलती और ये सब बातें जाकर वो डॉन को बताती है। डॉन एक एग्रेसिव किस्म का इंसान है तो सैरा को घर में ना देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सैरा पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और क्वालिटी टाइम क्रिस्टोफर के साथ बिताती है। अगले दिन सैरा घर आती है, वही दरवाजे पर डॉन उसका इंतजार कर रहा होता है और डॉन उस पर बरस पड़ता है और सैरा की मॉम भी वहाँ आती है और उसे पूछने लगती है कल के बारे में। ये सब सुनकर सैरा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सैरा को नाराज देखकर उसकी मदर और उसकी सिस्टर उसे चीयर अप करने आती है। तीनों आपस में बात करने लगते हैं। सैरा की ये इच्छा होती है कि 3 महीने बाद वो 18 साल की जब हो जाएगी तो उसे क्रिस्टोफर के साथ रहना है। ये सब बातें डॉन बाहर से सुन लेता है। फिर डॉन बेसमेंट में जाकर एक रूम ओपन करता है और वेट करने लगता है कि कब सैरा 18 साल की हो जाए। फिर आगे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सैरा को क्रिस्टोफर के साथ बात करते हुए देखते हैं। सैरा और उसके डैड घर पर अकेले होते हैं। सैरा की सिस्टर बाहर गई गई होती है और सैरा की माँ मार्केट गई होती है। डॉन सैरा को उसकी मदद करने कहता है बेसमेंट में एक बॉक्स रखने के लिए। दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट में रखने जाते हैं जहाँ डॉन सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल देता है। तब सैरा हैरान हो जाती है, उसे नहीं पता था कि वहाँ कोई सीक्रेट रूम भी है। जब सैरा सीक्रेट रूम के अंदर आती है उसको डॉन चालाकी से बंद कर देता है। सैरा दरवाजे को खोलने कहती है पर डॉन उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। तब सैरा अपने हेयरपिन से लॉक खोलने का ट्राई करती है लेकिन ऐसा करने पर लॉक ओपन नहीं हो पाता पर लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और लाइट्स ऑफ हो जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। तब सैरा बॉक्स ओपन करके देखती है। तब उसे पता चलता है कि उस बॉक्स में उसके सर्वाइवल की कुछ चीज़ें होती है जो डॉन और वो यहाँ लेकर आए थे। सैरा वेंटिलेशन विंडो से चिल्लाने लगती है मदद के लिए। तब डॉन को वो आवाज़ सुनाई देता है बाहर तक तो डॉन वेंटिलेशन को कपड़े की मदद से बंद कर देता है। हमें पता चलता है कि वो एक साइलेंट रूम होने की वजह से आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाती। सैरा की माँ घर आ जाती है और सैरा को वहाँ ना देखकर बहुत घबरा जाती है और उसे इधर उधर ढूंढने लगती है पर डॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। अगले दिन सैरा फिर से दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। तभी वहाँ डॉन आ जाता है। डॉन को धक्का देकर सैरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बेसमेंट लॉक होने की वजह से वो भाग नहीं पाती। डॉन सैरा को खींच कर रूम में ले आता है। डॉन बहुत गुस्से में था। डॉन सैरा से कहता है अगर सैरा उसकी बात मान लेती है तो वह उसे छोड़ देगा पर सैरा मना कर देती है। डॉन सैरा के साथ जबरदस्ती करता है। एक हफ्ते बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। डॉन कहता है कि सैरा यहाँ से भाग गई है, वो हमसे दूर जाकर लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। पर सैरा की मॉम कहती है कि वो ये बस बोलती थी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। सैरा बेसमेंट में अभी तक फंसी हुई थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। वो डॉन की इस बर्ताव से बहुत दुखी थी। फिर एक दिन क्रिस्टोफर डॉन के घर आ जाता है और सैरा के बारे में वो पूछने लगता है तो डॉन कहता है कि सैरा अपने दोस्त के साथ भाग गई है। हम देखते हैं कि सैरा को बेसमेंट में रहते 21 दिन बीत गए हैं और वो 18 साल की हो जाती है। डॉन बेसमेंट में आता है एक केक और ड्रेस के साथ। डॉन सैरा को कैंडल बुझाने कहता है और वो ड्रेस पहनने कहता है।
सहरा अभी तक गई थी इन सब चीजों से, उसे आजादी चाहिए था, तो वो डॉन का हर बात कहना मानने लगी थी। डॉन उसे विश मांगने के लिए बोलता है। सहरा अपनी आजादी मांगती है, पर डॉन कहता है इसके लिए बहुत वक्त है, तो वो एक घड़ी और टेलीविजन मांगती है। फिर डॉन सहरा के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन डॉन सहरा की विश पूरी कर देता है। वो टीवी और घड़ी सहरा को गिफ्ट में दे देता है। सहरा फुटकैन की मदद से एक हथियार बनाती है और डॉन को सेड्यूस करने लगती है, पर डॉन उसके इरादे समझ जाता है। डॉन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। डॉन उसे बहुत पीटने लगता है और सहरा का हाथ तोड़ देता है। फिर एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सहरा अभी तक उस बेसमेंट में ही थी। सहरा प्रेग्नेंट होती है, हमें ये दिखाया जाता है। सहरा को लेबर पेन होने लगता है और एक बच्ची को वो जन्म देती है जो कि एक लड़की होती है। टॉन ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। ऐसे करकर 4 साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि सहरा की माँ उसे याद कर बहुत रो रही होती है। टॉन अपने प्रमोशन के बारे में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है। सहरा की माँ बोलती है कि उनको इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेना चाहिए। उस बात पर डॉन गुस्सा होकर मना कर देता है और वहां से चला जाता है। वहाँ हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सहरा फिर से प्रेग्नेंट होती है और डॉन ने उनके लिए एक नया टीवी भी लाया होता है। वो देखकर सहरा और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सहरा की बेटी अचानक बीमार हो जाती है। टॉन सहरा को दवाई लाकर देता है और उसी बीच सहरा और टॉन के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि सहरा के बारे में पूछने आया था। उसे सहरा की बहन दिखाई देती है। क्रिस्टोफर सारी बात सहरा की सिस्टर को बता देता है, जो डॉन ने उसे बताया था कि सहरा किसी के साथ भाग गई है। सहरा की बहन कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, उसे खुद अपने पापा पर शक है, कहीं उन्होंने सहरा को कहीं छुपा नहीं लिया हो, या उसे ऐसा भी लगता है कि सहरा हमको छोड़कर कहीं दूर चली गई है। उसी बीच हमें सहरा को दिखाया जाता है जो फिर से प्रेग्नेंट थी। डॉन और सहरा की माँ बहस करने लगती है। सहरा की सिस्टर डॉन को बोलती है कि आप हमेशा सहरा पर गुस्सा करते थे। गुस्से में सहरा की माँ वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे डॉन भी चला जाता है। अचानक डॉन के जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है और सहरा की बहन उसे उठा लेती है और बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ वो नोटिस करती है कि जो रोज काम आने वाली चीज़ें और बहुत सारी अजीब चीज़ें वहाँ रखी है। सहरा की सिस्टर को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचने लगती है कि ये चीजें यहाँ क्या कर रही है। तब अचानक वहाँ डॉन आ जाता है और सहरा की सिस्टर को डांट कर भगा देता है। सहरा फिर से बच्चे को जन्म देती है, पर सहरा अब की बार डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि ये बच्चा वो सहरा की माँ के पास छोड़ दे। डॉन मान जाता है। वो एक आइडिया निकालता है, बच्चे को वो घर के दरवाजे के बाहर रख देता है एक लेटर के साथ जो सहरा ने लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि ये बच्चा मेरा है, यानी सहरा का, पर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण वो बच्चे को पाल नहीं सकती, इसीलिए आपको मैं सौंप रही हूँ। सहरा की माँ उस बच्चे को पालने के लिए तैयार हो जाती है। तब डॉन को वहाँ से और एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था, डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है। ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बेसमेंट में जाकर सहरा के साथ जबरदस्ती करता है। फिर सीन कट होकर कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ बच्चे बड़े हो गए थे। डॉन के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, वो सहरा की बड़ी बेटी को गंदी नज़र से देख रहा था। सहरा ये सब देखकर डॉन के इरादे समझ जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि सहरा की बड़ी बेटी को अस्थमा होता है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। एक दिन छत से पानी गिरने लगती है। तब सहरा सोचने लगती है कि वहाँ कोई कच्ची जमीन है और वो वहाँ होल करने लगती है और रात को वो वहाँ से एक लाइट पास करने लगती है। उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, पर वो आदमी ये जाकर डॉन को बता देता है। तब डॉन बेसमेंट में जाकर सहरा को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे सहरा का मिसकैरेज हो जाता है और डॉन मरे हुए बच्चे को घर के पीछे दफना देता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सहरा अपने वो बच्चे के बारे में पूछती है जिसे उसने अपनी माँ को दिया था।
टॉन बताता है कि वो ठीक है और वो जल्द ही टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। ये सुनकर सैरा का लड़का जो बेसमेंट में है उसे भी इच्छा होती है कि वो बाहर जाके टूर्नामेंट खेले। टॉन को वो बच्चा पूछता है कि मैं कब बाहर जा सकूंगा। तब डॉन बताता है कि जब तुम्हारे माँ का बर्ताव मेरे साथ ठीक हो जाएगा तब तुम बाहर जा सकते हो। सैरा ये सब देखकर डॉन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके बच्चे ने बाहर जाने की बात की होती है। सैरा के बच्चे सैरा पर गुस्सा करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आपने डॉन से माफ़ी क्यों मांगी। तो सैरा कहती है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सैरा निराश होकर लेट जाती है और क्रिस्टोफर को याद करने लगती है। तब बच्चे सैरा को आकर सॉरी बोलते हैं उनके बर्ताव के लिए। तब सैरा डॉन के बारे में सब कुछ उन्हें बता देती है कि कितना घटिया इंसान है वो और वगैरह वगैरह। बच्चे बातें सुनकर डर जाते हैं। बातों बातों में सैरा की बड़ी बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। सैरा ने अपने बच्चे को डॉन के बारे में बताया। ये सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और डॉन सैरा पर हाथ उठाने लगता है। सैरा का बेटा आता है सैरा को बचाने और सैरा को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देखकर डॉन पीछे हो जाता है और वो रूम का दरवाज़ा बंद कर पनिशमेंट के तौर पर रूम्स का लाइट्स ऑफ कर देता है। कुछ दिन बाद हमें ये पता चलता है कि डॉन की जॉब चली गई है और वो अब फाइनेंशियल प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। सेविंग्स भी उसकी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। डॉन की बीवी उसे पूछती है कि तुम सेविंग्स कहाँ खर्च कर रहे हो। तब हमें सैरा को दिखाया जाता है जो वेंटिलेशन तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होकर डॉन पर आता है और हमें यह दिखाया जाता है कि बैंक ने डॉन को एक लीगल नोटिस भेजा होता है और डॉन को वो घर खाली करने बोलता है क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा डॉन ने वापस नहीं किया होता। तब डॉन को कुछ समझ में नहीं आता और वो सैरा और उसके बच्चों को मारने का सोचता है क्योंकि ये सब खर्चे वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो वो गाड़ी का धुआं वेंटिलेशन के मदद से रूम में छोड़ता है जहाँ सैरा और उसके बच्चे रह रहे थे। तब वो बेटा आ जाता है जिसे सैरा ने अपने माँ को पालने के लिए दिया था। तो मजबूरन उसे गाड़ी ऑफ करना पड़ता है और कई साल बीत जाते हैं और सैरा की बेटी को दिखाया जाता है जिसे फिर से अस्थमा का अटैक आया होता है और डॉन को सैरा रिक्वेस्ट करती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। डॉन के पास और कोई चारा नहीं होने के कारण डॉन अग्री कर जाता है पर डॉन सैरा और उसकी बेटी को ही अपने साथ ले जाता है। उसके बेटे को वो बेसमेंट में ही बंद कर चला जाता है। सैरा अपने घर को देखकर इमोशनल हो जाती है। इतने सालों बाद वो बाहर निकली थी। सब मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं और सैरा की बेटी का जान बड़ी मुश्किल से बच जाती है। डॉक्टर सैरा को एक फॉर्म फिलअप करने देती है। सैरा को वो बेसमेंट में नहीं जाना था तो वो एक आइडिया निकाल कर फॉर्म में पानी गिरा देती है। तब डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर सैरा लेडी डॉक्टर को ढूंढने लगती है और फाइनली वो लेडी डॉक्टर और एक पुलिस वाला उसे दिख जाता है। जल्दी वो लेडी डॉक्टर को गले लगाती है और हेल्प के लिए कहती है। पुलिस ऑफिसर ये सुनकर डॉन को अरेस्ट कर लेता है जहाँ डॉन सब कुछ बता देता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सैरा के बेटे को भी वहाँ से बाहर निकाला जाता है। सैरा की माँ और बहन ये सब सुनकर शॉक में रह जाते हैं। डॉन को जेल हो जाती है। फिर ये दिखाया जाता है कि सैरा की माँ और बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। फिर सैरा से मिलने क्रिस्टोफर आता है जो सैरा का अब तक इंतज़ार कर रहा होता है और उसने शादी भी नहीं की होती है और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।